गुड मॉर्निंग, मैं मेगा लवली टेल से फिर से एक नए वीडियो एक नए ब्लॉग के साथ। आज है हमारा चेकआउट फ्रॉम ऊटी। तो ऊटी से कोयम्बतूर हम जाएंगे और कोयम्बतूर से मुंबई हमारी फ्लाइट है। लेकिन ऊटी टू कोयम्बतूर भी हम बीच में लंच लेने वाले हैं, तो वो रेस्टोरेंट भी आपको दिखाएंगे और वहाँ का खाना भी आपको बताएंगे, ताकि अगर आप ऊटी आ रहे हो और रिटर्न कोयम्बतूर से जा रहे हो तो आप उस रख सकते हो खाना खाने के लिए। उसके साथ साथ इसी वीडियो में मुंबई पहुँचने के बाद मैं पूरा आपको डिटेल ऊटी में हमने कितना खर्चा किया, कैसे होटल का हमारा स्टे था, कितना हमने पे किया और जो साइट सीइंग था वहाँ पे कितना खर्चा हुआ। अगर आप ऊटी आना चाहते हो तो आपने किस तरह से फ़्लाइट्स बुक करने चाहिए, अगर आप ऊटी में बहुत अच्छे से रहना चाहते हो तो होटल में कौन से रूम्स आप ले सकते हो, तो ये सारे डिटेल्स विद बजट इसी वीडियो में आगे रहेगा। तो इसलिए इस वीडियो को आप ज़रूर एंड तक देखिए। तो चलिए, मैं मिलती हूँ अब आगे एयरपोर्ट के रोड पर। अब पहुंच गए हम कोयम्बतूर एयरपोर्ट से। दिस इज़ द एयरपोर्ट बिहाइंड मी। छोटा सा एयरपोर्ट है, 10 गेट्स का एयरपोर्ट है, लेकिन अच्छा है, क्लीन है और खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो बहुत रिजनेबल रेट्स पे है। नॉर्मली एयरपोर्ट्स पे बहुत ही महंगी होती है। और ऑन द वे, जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी एसी रेस्टोरेंट्स हमें नहीं मिली और ऑलरेडी ऊटी में थोड़ा सा गर्म हो रहा था। और ऑन द वे जब हम पहाड़ों से नीचे आ गए तो कोयम्बतूर में और भी ज़्यादा गर्म होने लगा। और वहाँ पर जो रेस्टोरेंट हमने देखी थी अन्नपूर्णा करके, सब बोलते हैं बहुत अच्छा खाना रहता है, लेकिन हमने वहाँ नहीं खाया क्योंकि अंदर एसी बंद थी। सो हम आ गए एयरपोर्ट पे और एयरपोर्ट पे अब ले गए कुछ स्नैक्स और पहुँचे अब एयरपोर्ट पे। आने के साथ एक बैड न्यूज़, 6 PM की जो हमारी फ़्लाइट थी कोयम्बतूर टू मुंबई इंडिगो की, वो लेट हो गई 1 घंटे से, यानी वो आ रही है 7 बजे। फ़िलहाल ऐसे बता रहे कि 7 AM की रहेगी। तो हम पहुँचे बाय 3, तो अब 4 घंटे का वेट हमें है एयरपोर्ट पर। मैंने अभी लिया है पनीर टिक्का सैंडविच, टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। अच्छा है, ज़रा भी स्पाइसी नहीं। डेजर्ट में मेरे लिए लिया है चोको फिल्ड डोनट्स, गाइस कोयम्बतूर एयरपोर्ट पे, क्योंकि हमने ऑन द वे ढूंढा लेकिन एक भी एसी रेस्टोरेंट्स नहीं थे और बहुत गर्मी स्टार्ट हो गई है। सो हमने एयरपोर्ट से लिया समोसा, विच कॉस्ट मी 50 rupees जस्ट, बट इट इज़ वेरी नाइस इन टेस्ट, लेस स्पाइसी और समोसा भी फ्रेश है। गाइज अब मैं सेटल हो गई हूँ प्लेन में। हमारी फ़्लाइट बहुत ही लेट हो गई, जो 6:10 को चलने वाली थी वो हो गई है 7:30, और बस हम बोर्ड करके अब आ गए अंदर। अब उड़ेगी फ्लाइट और पहुँचेंगे मुंबई। सो कोयम्बतूर टू मुंबई की फ़्लाइट हमने ले ली है। मुंबई पहुँचने में मिलती हूँ और बीच में आपको दिखाती हूँ फ्लाइट से कुछ व्यूज़।
अचीव अप मुंबई एयरपोर्ट और मुंबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट आप मेरे पीछे देख सकते हो। तो बस हमारी फ्लाइट लैंड हुई है मुंबई एयरपोर्ट पर, तो हम आ गए कोयम्बटूर से मुंबई। यहाँ से टैक्सी, उबर या ओला जो भी हमें अवेलेबल हो जाएगी, और फिर जाएंगे घर, घर जाके रेस्ट करेंगे, और फिर आपको मैं इसी वीडियो में पूरी आइटिनरी बताने वाली हूँ ऊटी की। तो प्लीज़ बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। गाइस, ये है मुंबई एयरपोर्ट का अराइवल। तो कितना ब्यूटीफुल है देखिए। सो मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हम पहुंच गए। ये हमारा बेल्ट है जहाँ से हमें लेना है हमारा लगेज, वेट कर रहे हैं हमारे लगेज के लिए। गाइज, हम पहुंच गए अब मुंबई ऊटी से, और ये ट्रिप बहुत ही अच्छी रही। बहुत हमने एंजॉय किया, काफ़ी चीज़ें देखी और काफ़ी फोटोग्राफी की। काफ़ी सीनिक चीज़ें वहां पर हमें देखने मिली, और जो हमारा होटल स्टे था वो भी बहुत ऑसम था। तो बहुत ही अच्छी ट्रिप रही। अगर आप इस ट्रिप को करना चाहते हो तो आज के वीडियो में हम आपको देने वाले हैं पूरी आइटिनरी कि आप किस तरह से ये ट्रिप को करें। तो चले बस इस वीडियो को और आगे बढ़ाते। गाइज, ऊटी ये तमिलनाडु का हाईएस्ट हिल स्टेशन है। ये कोयम्बतूर एयरपोर्ट से अराउंड 90 किलोमीटर्स की दूरी पर है। कोयम्बतूर एयरपोर्ट जाने के लिए आपको इंडिया की मेजर सिटीज जैसे मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई से आपको फ्लाइट्स मिल जाएंगी। हमने जो टिकट ली थी कोयम्बतूर एयरपोर्ट के लिए मुंबई से, वो अराउंड 10,000 रुपीज कॉस्ट हुई। पर ये फ्लाइट रेट्स फ्लक्चुएट होते रहते हैं। अगर आप सीजन में जाओगे तो आपको 10,000 से 12,000 के बीच में कॉस्ट होंगे, और अगर ऑफ सीजन में जाओगे तो अराउंड 8 से 10,000 के बीच में आपको कॉस्ट होंगे। ये हमने जो फ्लाइट टिकट्स बुक की थी वो kayak.com से की थी। Kayak एक काफ़ी अच्छी वेबसाइट है फ्लाइट की टिकट्स बुक करने के लिए। आप भी ये वेबसाइट चूज कर सकते हो। ऊटी का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन मेट्टुपलायम है। ऑल ओवर इंडिया से काफ़ी ट्रेन्स भी जाती है, पर मोस्टली सारी ट्रेन्स कोयम्बतूर रेलवे स्टेशन से होकर यहाँ पे आती है। आप मेट्टुपलायम से बाय रोड या बाय टॉय ट्रेन आप ऊटी के लिए जा सकते हो। सो गाइज, ऊटी जाने का बेस्ट पीरियड जो होता है वो है नवंबर टू फेब्रुअरी। समर्स में यहाँ पे गर्मी थोड़ी बढ़ जाती है और बारिश में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो नवंबर से फेब्रुअरी आपको विंटर्स का क्लाइमेट रहेगा, ठंड अच्छी रहेगी, बारिश भी थोड़ी कम रहेगी, तो आपके लिए ये वेदर सबसे सूटेबल रहेगा। मुंबई से जो फ्लाइट ली ये कोयम्बतूर पहुंची, और कोयम्बतूर पहुंचने के बाद हमने वहां से टैक्सी बुक की। आपको एयरपोर्ट से ही टैक्सी मिल जाएगी। टैक्सी के अराउंड हमने ₹3,500 दिए। और टैक्सी टू टाइप्स की होती है वहाँ पे, एक होती है सीडन और दूसरी होती है एक्सयूवी। अगर आप ज़्यादा लोग हैं तो आप बड़ी टैक्सी बुक कर सकते हो। हम तो तीन ही लोग थे तो हमने सीडन बुक की, और हमें बहुत ही अच्छी सर्विस मिली थी। गाइज, हम जब कोयम्बतूर पहुँचे तो वहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस चल रहा था, लेकिन बीच रास्ते में जब बारिश हो गई तो अपने आप वेदर अच्छा हो गया, एकदम काफ़ी प्लेजेंट हो गया। तो उसके बाद बहुत ही अच्छा लग रहा था, और रास्ता काफ़ी सीनिक और बहुत ही अच्छा है अगर आप कोयम्बतूर टू ऊटी जाते हो। तब रास्ते में हमने रोका था एक रेस्टोरेंट पे जो है A2B रेस्टोरेंट। ये काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट है वहाँ का, और यहाँ का खाना भी काफ़ी फ्रेश है। और ये रेस्टोरेंट है मेट्टुपलायम में। हमने मेट्टुपलायम में स्नैक्स लिया और फिर वहाँ से निकले हम ऊटी के लिए। जैसे ही मेट्टुपलायम क्रॉस करते हैं वैसे ही ऊटी की चढ़ान स्टार्ट हो जाती है, और रास्ता टू लेन हो जाता है। दोनों तरफ हरियाली आपको देखने मिलती है, पूरा सिनेमैटिक रहता है। फोटोग्राफी वीडियोग्राफी के लिए ऑसम रहता है। उन सीनरी को देखते हुए आप कब ऊटी पहुँच जाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा। पहाड़ी एरिया होने की वजह से वहाँ अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है। तो गाइज, हम होटल पहुँचे अराउंड 8 PM। जब होटल की बात करें, हमने लेक व्यू होटल बुक की थी। ये होटल लेक के पास ही है, ऊटी लेक के पास। ये हमने बुक की थी agoda.com से। हमें इसके कॉस्ट अराउंड 3,500 पड़ा, क्योंकि हमें डिस्काउंट में मिली थी ये। इसकी इन जनरल कॉस्ट 4,000 to 4,500 है। इस होटल में आपको दो टाइप्स के रूम्स मिलेंगे, एक है एग्जीक्यूटिव रूम्स और एक है विला रूम्स। एग्जीक्यूटिव रूम्स के कॉस्ट अराउंड 4,000 रुपीज होते हैं, और विला रूम्स के कॉस्ट अराउंड 4,500 रुपीज होते हैं। रूम्स करीब करीब दोनों सेम ही है, पर कैटेगरी डिफरेंट इसलिए कि विला रूम्स 3 बेडेड है और एग्जीक्यूटिव रूम्स ये 2 बेडेड है।
लेकव्यू होटल पे हमने एक डिटेल्ड अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, आप वो वीडियो ज़रूर चेक कीजिए। हमारा ऊटी का डे टू, ये हमने डिसाइड किया कि हम ऊटी के साइट सींग पॉइंट करेंगे, मतलब वहाँ के जो लोकल पॉइंट्स है वो करेंगे। तो उस दिन हमने टैक्सी बुक की और टैक्सी ड्राइवर का नाम था सागा देवन। इनका नंबर भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, क्योंकि इन्होंने हमें बहुत ही अच्छी सर्विस दी, रादर उन्होंने हमें काफ़ी एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी दिखाए। तो अगर आप जा रहे हो ऊटी तो आप उनकी टैक्सी बुक कर सकते हो डायरेक्टली। अगर आप होटल से टैक्सी बुक करते हो तो वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। सागा देवन ने हमसे काफ़ी रिजनेबल रेट लिया था, तो जो हमारे ऊटी के लोकल स्पॉट्स थे इसके हमने पे किए थे ₹1600 ओनली। तो इतने कम पैसों में हमने इतने सारे स्पॉट पूरे दिन में कवर किए थे, तो डेफिनेटली आप इनकी टैक्सी ट्राई कर सकते हो। गाइस, ऊटी के जो साइट सींग में बेस्ट पॉइंट्स हमने कवर किए उस दिन, और वो थे गवर्नमेंट म्यूजियम, बॉटनिकल गार्डन, रोज़ गार्डन, ऊटी का बोट हाउस, टी फैक्ट्री और डोडा बेटा पिक। तो ये कोई एक बात ध्यान में रखनी होगी कि वहाँ के सारे पॉइंट्स इवनिंग 5:30 को बंद हो जाते हैं, तो आप रूम से जल्दी निकले, होटल से जल्दी निकले, ताकि आप 5:30 तक सारे पॉइंट्स कवर कर सको। सो गाइस, डे 3 पे हम गए ऊटी से पायकरा। पायकरा ये ऊटी से अराउंड 20 किलोमीटर्स की दूरी पर है। पायकरा ये एक फॉरेस्ट एरिया है, रिजर्व्ड फॉरेस्ट एरिया है। तो आपको यहाँ पे जल्दी सुबह निकलना होगा ताकि आप सारे यहाँ के स्पॉट्स काफी कर सको। ये पायकरा अपने बॉलीवुड और साउथ इंडियन मूवीज की शूटिंग के लिए फेमस है। यहाँ पे हमने बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स किए, जैसे कि पाइन फॉरेस्ट, 9th Mile शूटिंग पॉइंट, पायकरा वाटरफॉल, पायकरा बोट हाउस, एक डैम भी हमने देखा रास्ते में। ये काफी सुंदर जगह है, तो आप इसे जरूर विजिट करिए। सो गाइस, डे 4 को हम गए कुन्नूर। कुन्नूर जाने के लिए हमने ऊटी के उदगमंडलम स्टेशन से टॉय ट्रेन ली। आप एक चीज ध्यान रखिए कि टॉय ट्रेन लेने के लिए आपको जो टिकट्स है उसके, जो एडवांस में ही बुक करने होंगे, नहीं तो आपको वेटिंग में टिकट मिल सकती है और जो टिकट इजिली कन्फर्म होती नहीं है वहां की। टॉय ट्रेन की टिकट के कॉस्ट सेकेंड क्लास के अराउंड ₹150 है और फर्स्ट क्लास के अराउंड ₹350 है। कुन्नूर ये ऊटी के नज़दीक का ही एक हिल स्टेशन है जो अराउंड 30 किलोमीटर दूर है ऊटी से। ट्रेन से जाने के लिए कुन्नूर आपको अराउंड 1 आवर लगते हैं और बाय रोड जाने के लिए 40 मिनट्स लगते हैं। नीलगिरी की पहाड़ियों में जो टी की खेती होती है, जो टी की एग्रीकल्चर होता है, वो मैक्सिमम कुन्नूर में ही होता है, क्योंकि कुन्नूर को एक साउथ फेसिंग स्लोप है जो टी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। हमने कुन्नूर रेलवे स्टेशन से ली थी टैक्सी। टैक्सी के हमें अराउंड कॉस्ट हुए ₹1700। टैक्सी से हमने कुन्नूर के अलग अलग स्पॉट्स विजिट किए, जैसे कि नीलगिरी ऑयल फैक्ट्री, लैम्स रॉक व्यू पॉइंट, कैथरीन वाटरफॉल व्यू पॉइंट, डॉल्फिन नोज पॉइंट, सिंगारा टी एस्टेट, स्लीपिंग लेडी व्यू पॉइंट और सिम्स पार्क। गाइस, ऊटी में ये सारी चीज़ें आप घूम सकते हो, और इसके लिए आपको 3 डेज इनफ रहते हैं। अगर आप सिर्फ साइट सींग में इंटरेस्टेड हो तो आप 3 दिन में अपनी टूर ख़त्म कर सकते हो। लेकिन अगर आप वहाँ के वेदर को एंजॉय करना चाहते हो, आप अगर वहाँ पे रेस्ट करना चाहते हो और लोकली आप थोड़ा सा घूमना चाहते हो, तो आप और एक दिन एक्सटेंड कर सकते हो। तो हमने भी एक दिन एक्सटेंड ही किया था। तो हमने जो लास्ट डे था हमारा, उस दिन हमने किया शॉपिंग, यानी हमने ऊटी का पूरे मार्केट्स घूमे। तो यहाँ पे जो फेमस मार्केट है वो है ऊटी का कमर्शियल स्ट्रीट, यानी कोई एक स्ट्रीट है जहाँ पर आपको बहुत सारे वुरन क्लोथ्स के शॉप्स मिलेंगे। वहाँ पे शॉपिंग बहुत ही अच्छी होती है, वहाँ पे आपको रिटेल शॉप्स भी मिलेंगे। अगर आपको किसी के लिए गिफ्ट में लेके आना है, कुछ टी लेकर आनी है, या आपको नीलगिरी के बॉटल्स लेके आनी है, तो ये चीज़ें वहाँ पे काफ़ी फेमस है। इवन स्पाइसेस वहाँ के बहुत फेमस है। तो ये सारी शॉपिंग आप इस कमर्शियल स्ट्रीट पे कर सकते हो। उसके अलावा टिबेटियन मार्केट भी है वहाँ पर, छोटा सा टिबेटियन मार्केट है, नॉट लाइक हिमाचल प्रदेश, लेकिन हाँ डेफिनेटली ये टिबेटियन मार्केट विजिट करने के लायक है, क्योंकि वहाँ के जो ऊनी कपड़े यानी वुलन कपड़े हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। कुछ यूनिक चीज़ें उनके पास है, पोंचूस बहुत अच्छे हैं, उनके जो स्वेटर्स है, उनके जो स्वेटशर्ट्स है, ये काफ़ी अच्छे हैं। तो अगर आपके साथ कोई फीमेल्स है और उनको कोई शॉपिंग करनी है, तो यहाँ पर उनको एन नंबर्स बहुत ही वेराइटी में वुलन क्लोथ देखने मिलेंगे। वहाँ से फिर हम पहुँचे वापस बोट हाउस। जो हमने बोट हाउस पहले दिन कवर किया था, फिर हम गए थे बोट हाउस सिर्फ शॉपिंग के लिए, क्योंकि बोट हाउस के पास ही एक बहुत ही अच्छा शॉपिंग मार्केट है, तो वहाँ पर भी आप शॉपिंग कर सकते हो। वहाँ पे भी आपको पर्सेस बहुत अच्छी मिलेगी, वहाँ पे आपको ब्लैंकेट्स बहुत अच्छे मिलेंगे, तो बोट हाउस के पास की भी शॉपिंग बहुत ही अच्छी है। तो ये सारी चीज़ें हमने की लास्ट डे।
गाइज, अगर आप ऊटी जाते हो तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होगी और अपने साथ लेके जाना बहुत ज़रूरी है। जैसे ऊटी का मौसम ऐसा है कि कभी भी वहाँ पर बारिश होती है, तो आपके पास रेनकोट और छाता होना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे ठंड भी बीच में ही हो जाती है, तो उसके लिए आपके पास कुछ वुलन क्लोथ्स आप साथ में लेकर जाइए, यानी कुछ जैकेट्स है या ग्लव्स, हैंड ग्लव्स है, अच्छे पैर के सॉक्स है, तो ये आप लेकर जाइए। गाइज, अगर आपको ठंड ज़्यादा लगती है तो आप वुलन कैप्स भी अपने साथ कैरी करिए। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वहाँ पर प्लास्टिक कम्प्लीटली बैन है, तो पानी पीने का मतलब जो मिनरल वाटर, अगर हम घूम रहे हैं, हम एक ट्रैवलर करके जा रहे हैं या हम एक टूरिस्ट करके जा रहे हैं, तो पानी वहाँ पे मिलना बहुत मुश्किल है। जो भी पानी आपको मिलेगा वो आपको 5 लीटर के कैन में मिलेगा, तो अपने साथ एक खाली प्लास्टिक की बॉटल आप ज़रूर कैरी करिए। तो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो, पूरी आइटिनरी मैंने आपको समझाई। अगर आप ऊटी की ट्रिप करना चाहते हो तो डेफिनेटली इस तरह से आप कर सकते हो, अगर आपको ये सुटेबल होती है तो इस वीडियो को, इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो, एक नए ब्लॉग में। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए। बाय बाय।